بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عداه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين وعجل اللهم ما فرجه مولانا صاحب الزمان

जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख था और उनके चचा का नाम आजर था ये जो रिवायतों में मौजूद है आजर जो थे वो नमरूद जो बादशाह था उसके एस्ट्रोल थे उसके कोर्ट में हाई पोजीशन रखते थे और वो बुतों को भी बनाया करते थे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनकी विलादत जब होने वाली थी तब नमरूद को उसके एस्ट्रोल ने बताया कि एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को जो है तहस नहस कर देगा ने जो है हुक्म दिया कि जितने लड़के पैदा हो रहे हैं उनको जो है कत्ल कर दो लेकिन अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा की प्रेगनेंसी के साइंस दिखे नहीं और जब उनकी विलादत हुई तब जनाबे इब्राहिम की मदर ने उनको एक केव में ले जाकर केव का दरवाजा बंद कर दिया और अल्लाह के हवाले कर दिया अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध दे दिया कि जिससे उनकी नरिशमेंट हुई और एक दिन में उनको बहुत फास्ट ग्रोथ दे दी ताकि हर दिन जो है वो हर महीने जितना जो है ग्रो कर रहे थे ताकि जब तक कुछ दिन हुए तब तक वो काफी ग्रोन अप हो गए थे जब उनकी वालिदा उनको वापस लेने आई तो उन्होंने देखा कि काफी बड़े हो चुके थे ये अल्लाह का प्लान था अपनी हज्जत को बचाने का अब नमरूद जो है उसने जब ये हुक्म दिया था तब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी तो आजर को शक हुआ कि ये कौन है आजर ने पूछा ये कौन है तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा कि मेरा बेटा इब्राहिम है कि जो इसकी विलादत हो चुकी है अब आजर ने जो है क्योंकि वो चचा थे उन्होंने कहा ठीक है चलो बताते नहीं है और उन्होंने जो है जनाब इब्राहिम सलाम को अपने बुत के जो काम था उसमें जो है लगा दिया अब जनाब इब्राहिम सलाम जो हमारा अकीदा है कि जो नबी होता है वो पैदा होते ही नबी होता है सिर्फ उसे ऑर्डर जब मिलता है तब वो अपनी रिसालत शुरू करता है जनाब इब्राहिम उस बुतों को जब बेचने ले जाते थे तो लोगों के सामने कहते थे कि आओ इस बुत को ले जाओ जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है जो खुदा वहद शरीक के सामने जो है उसकी खिलकत है और वो जो है कोई खुदा नहीं है जब आजर को यह सब पता चला तो उन्होंने जो है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि तुम इस तरह से जो है खुदाओं की बेहरमती नहीं कर सकते अब जब ये सब हुआ एक दिन जब सब लोग जो है पूरे शहर के लोग बाहर गए थे मजा करने उस दिन जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उस इलाके में गए जहां पे सारे बुत रखे जाते थे उस इबादतगाह में और उन्होंने सारे बुतों को जो है जो है तोड़ दिया और बड़े वाले के गले में जो है वो हथियार रख दिया अब जब सब लोग वापस आए उन्होंने देखा उन्होंने कहा कि यकीन ये इब्राहिम का ही काम होगा जनाब इब्राहिम अलीलाम को बुलाया गया तो जनाब इब्राहिम ने कहा बड़े वाले से पूछो हथियार तो उसके पास है कहा ये लोग थोड़ी जवाब दे सकते तो बोले तो फिर तुम इन्हें खुदा कैसे मान रहे हो जब ये सब सुना लोग बड़े गुस्से में थे नमरूद ने हुक्म दिया कि जनाब इब्राहिम को आग के हवाले कर दिया जाए जब ये हुक्म हुआ तो आग जलाई गई इतनी बड़ी आग जलाई गई कि अगर ऊपर से एक परिंदा भी गुजरता था तो वो जल जाता था इसीलिए कोई आग के पास जनाब इब्राहिम को डाल नहीं सकता था तब शैतान आया और उसने आइडिया दिया कि गुलेल बनाओ एक ऐसी बनाओ कि जो जिस पे पत्थर पड़े और जनाब इब्राहिम को उस तरीके से जो है आग में फेंको जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था जनाबे जिब्राइल नाजिल और कहा कि कोई हाजत है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुमसे नहीं है तब अल्लाह ने इस आवाज को सुना और अल्लाह ने उस आग को कहा कि व इब्राहिम के ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में नाजिल हुए आग गुलजार बन गई आग जो है गार्डन जैसी बन गई जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीच में बैठ के अल्लाह की इबादत कर रहे थे जब लोगों ने और नमरूद ने यह नजारा देखा तो वो लोग चौक गए और नमरूद ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि तुम बच कैसे गए कहा मेरे खुदा ने जो है मुझे बचाया कहा तुम्हारा खुदा कौन है तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा वो है कि जो लोगों को मौत और हयात देता है तो नमरूद ने कहा कि जिस मैं भी मौत और हयात देता हूं एक को इम्प्रेजनमेंट थी उसको मार दिया और एक जिसको मारने वाला था उसको छोड़ दिया कहा देखो तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा वो है कि जो सूरज को ईस्ट से उगाता है और वेस्ट में डुबाता है अगर तू सच में खुदा है तो तू वेस्ट से उगा के दिखा अमरूद ने अमरूद जवाब नहीं था उसके पास उसने जनाब इब्राहिम से कहा कि तुम जो है इस जमीन से निकल जाओ और आज के बाद यहां वापस मत आना जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी जो कजिन थी बीबी सारा सलाम उनसे उन्होंने निकाह किया और उनके जो कजिन थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये तीनों का काफिला निकला और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जगह पर पहुंचे जब वो जगह पर पहुंचे तो वहां के बादशाह ने कहा कि इस डब्बे में क्या है तब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके अंदर मेरी जौजा है कहा मुझे देखना है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तू नाम हैराम है फिर भी उस बादशाह ने अपनी गलत हाथ और गलत नजरे जो है बीबी सारा के तरफ जब बढ़ाई तो उसका हाथ जाम हो गया उसने जनाब इब्राहिम से मफरत मांगी तो उसका हाथ नॉर्मल हो गया फिर से उसने ऐसे करने की कोशिश की फिर उसका हाथ जाम हो गया तब उसने जनाब इब्राहिम से माफी मांगी और कहा कि मैं टच नहीं करूंगा और उसने अपनी गुलाम बीबी हाजरा को जो है जनाब इब्राहिम को गिफ्ट कर दिया बीबी हाजरा और जनाब सारा को लेकर जनाब इब्राहिम पहुंचे उसके बाद बीबी सारा से औलाद नहीं हो रही थी तो जनाब हाजरा से औलाद हुई और उनको लेकर जनाब इब्राहिम मक्का में आए जिनकी स्टोरी हम जनाब इसमाइल में कवर करेंगे इसके बाद जनाब इब्राहिम काफी लंबी उम्र तक जिए और आखिर में उन्होंने जो है जनाब इस्माइल और जनाब इस हाँ, उन दोनों को जो है जनाब हाँ जो बीबी सारा से जो जिनकी बर्थ हुई थी उनको जो है अपनी नबूवत की जो किताबें थी वो सौंपी और अपनी का इल्म सौंपा और जनाब इब्राहिम इस दुनिया से चले गए जनाब इब्राहिम का टाइटल था खलीलुल्लाह यानी द फ्रेंड ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह कल हम फिर मुलाकात करेंगे फाइव मिनट्स एट फाइव पीएम सॉरी आज का लेक्चर थोड़ा सी एक्सटेंड हो गया कल इंशाल्लाह प्रोफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानेंगे वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मुहम्मद व मुहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम